तो दोस्तों, हम आ गए हैं उस रूम में जिस रूम में हमें वॉइस ओवर करना है, यानी कि आवाज रिकॉर्ड करनी है अपनी। लेकिन आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि इस कमरे में इको कितना ज्यादा है। और फाइनली हमने जो बनाया है पूरा रूम, तो हमें 15,000 में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे भी कर लीजिएगा और बाद में उसको जाकर एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो ऑडियो के होते हैं उसमें जाकर सही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसमें आप जाकर थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं, पूरा नहीं सही कर सकते। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करें उस जगह को ऐसा बनाइए जहाँ पर नॉइज़ ना आए, इको ना आए। अगर वो आपकी जगह सही होगी तो आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आप एक खाली कमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं और आप इको की समस्या से गुजर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इको को ख़त्म करें, तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए पहले हम उस कमरे में चलते हैं और उस कमरे में देखते हैं कि क्या समस्या है। आप लोग खुद ही उसको एनालिसिस कीजिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो में कितना डिफरेंस आया पहले और बाद में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं उस रूम में जिस रूम में हमें वॉइस ओवर करना है, यानी कि आवाज रिकॉर्ड करनी है अपनी। लेकिन आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि इस कमरे में इको कितना ज्यादा है। अब इस इको को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अगर इको कम नहीं किया तो जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब आएगी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें एकोस्टिक फॉर्म लगाने जा रहे हैं। अब देखते हैं उसके बाद इस रूम में कितना फर्क पड़ता है। तो आपको दिखा देते हैं हमने जो एकोस्टिक फॉर्म खरीदे हैं। ये देखिए, ये एकोस्टिक फॉर्म हमने खरीदा है दिल्ली के करोल बाग से और ग्रे कलर का है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो ये 6x3 है, मतलब 6 फुट ऐसा है और 3 फीट ये इसकी लंबाई है, कुछ भी मान लीजिए आप। तो ये एकोस्टिक फॉर्म है और जिसे हमने करोल बाग में अंबिका फॉर्म ट्रेडर्स की दुकान से खरीदा है, जिसका हमने एक वीडियो बनाया है। और ये जो फॉर्म है, हमने करोल बाग में और भी कई शॉप पे पूछा था। एक शॉप तो इतनी बड़ी शॉप थी जहां से हम गए थे, तो वहां पे बहुत सारा माल रखा हुआ था और वहां पर एक एक फीट के जो एकोस्टिक कटे हुए थे, मतलब डिजाइन होते हैं जो कलर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप उसे मंगाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 250 या 300 रुपए का इतना बड़ा 1 फीट का आएगा, ठीक है। तो हमने उनसे रेट पूछा, वो बहुत बड़ा सेलर है करोल बाग का, इतना कॉस्टली देता है आप सोच नहीं सकते। कि जी ये जो शीट है ना, ये हमने फिर भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ली है, तो इस शीट जो हमें ये मिली है 500 रुपए में, 500 रुपए में एक शीट पड़ी है, वो इस शीट को 3,000 रुपए की दे रहा था। आप सोच सकते हैं कितना लूट रहा था। हमने आपको बताया है जो करोल बाग में जो हम अब सेलर बता रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं कभी भी अगर एकोस्टिक फॉर्म आप खरीदना चाहते हैं तो इस दुकान से खरीद सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि हम आपके पैसे बचाना चाहते हैं, कि कहीं और ज्यादा पैसे देने के बजाय आप उनसे माल खरीदिए। वो आपको ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, हमने उनसे पूछा था, आप वीडियो में देख सकते हैं। और हमने ऐसी कई सारी शीट खरीदी हैं, हालांकि इस शीट में और भी रेंज थी। अगर इससे थोड़ा सा हम नीचे लोअर क्वालिटी में जाते हैं तो 375 की भी थी इतनी ही बड़ी शीट, और एक 300 की भी थी। आप सोचिए कि 300 में वो जो दूसरा करोल बाग में था वो एक छोटा सा 1 फीट का दे रहा था, और कहां ये हमें 300 रुपए में मतलब पूरा मिल रहा है करोल बाग में ही। तो अगर आप मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, मैंने भी बहुत मार्केट एक्सप्लोर करी, तो वहां पर मुझे ये सबसे सस्ता मुझे यही नजर आया। तो आप लोगों को अगर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अंबिका फॉर्म ट्रेडर्स के नाम से उनकी शॉप है, आप वहां से ले सकते हैं। और इसमें उनके पास कई कलर भी थे, जैसे हमने बताया था आपको, रेड था और एक आसमानी ब्लू था, तो कलर थे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना है तो आप इस ग्रे के साथ ना रेड को यूज कर सकते हैं। हालांकि हम अपने इस रूम में खाली ग्रे लगाना चाहेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो यही दो कलर
चूज करिएगा, क्योंकि बाकी अगर आप कलर कोई भी कहीं से भी लेते हैं तो वो कुछ समय के बाद उसका जो कलर है फेड हो जाएगा, तो आप उस चक्कर में ना रहें और इन दो कलर को ही चूज करिएगा। तो और अगर जो हम आपको शॉप बता रहे हैं अंबिका फॉर्म ट्रेडर्स, जो कि आपकी करोल बाग में है, गुरु रविदास मार्ग करके है लोकेशन, तो वहां पर जो आप एक फीट का जो हम बता रहे हैं, एक फीट का अच्छी क्वालिटी का उनके पास 50 रुपए का है, और वही जो हम दूसरा बता रहे हैं करोल बाग में, वो भाई साहब इतना महंगा, भाई 250 रुपए का। मैंने जब थोक में बात लेने की करी उससे तो वो कह रहा कि हम आपको 150 का लगा देंगे। आप सोच सकते हैं कितना लूट रहा था। क्वालिटी अच्छी तो 500 रुपए मिल जाएगा। वहीं अगर ये कलर में जाना चाहते हैं आप, अगर रेड कलर मंगाएंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, मुझे लगता है 550 या 600 के आसपास था, मुझे रेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। अब हालांकि हम अपने रूम में इसमें अभी लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, इको खत्म होता है कि नहीं। हालांकि इको की समस्या जो भी यूट्यूबर है और अपना कमरे में रिकॉर्ड करते हैं उनके सामने प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग जो कम बजट में हमने आपको बता दिया है करोल बाग से, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, उनसे फोन पे बात भी कर सकते हैं, रेट भी ले सकते हैं, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम चिपकाएंगे और इसको चिपकाने के लिए हमें एडिसिव या फिर फेविकॉल का 505 सॉल्यूशन आता है, आपको दिखा देते हैं, हमारे पास है ये, देखिए ये फेविकॉल का है SR505 है, हालांकि उल्टा दिख रहा है, तो फेविकॉल का SR505, ठीक है। तो इससे आप इसको चिपका सकते हैं, ठीक है। चिपकाने का तरीका क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इस शील्ड को अगर आप चिपकाना चाहते हैं तो अगर आपके पास ब्रश है या फिर कोई पत्ती है तो इसके कॉर्नर पर लगाइएगा और इसमें क्रॉस करिएगा उसको, और इसको क्रॉस करने के बाद आप दीवार 1 मिनट जमीन पर, मतलब थोड़ा सा सूखने दीजिए 1 मिनट तक, उसके बाद जिस दीवार पर लगाना है उस पर भी आप थोड़ा सा ऐसा 505 लगा लीजिएगा हल्का सा, और उसके बाद उसको आप दीवार से जाके कर दीजिए, थोड़ी देर होल्ड करिएगा, जब वो चिपक जाए छोड़ दीजिएगा और आपका चिपक जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जो एकॉस्टिक फोम है, हमेशा इसमें ना कोशिश करिएगा कि पिरामिड शेप है, जो ये पिरामिड है बने हुए हैं, इन पिरामिड शेप को ही खरीदेगा, क्योंकि अगर आप प्लेन खरीदते हैं तो प्लेन में इको खत्म बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो उतना नहीं इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसीलिए ये इस तरीके का डिजाइन बनाया गया है जिससे इको खत्म हो। तो हम ट्राई करते हैं इस रूम में और देखते हैं कि इससे हमारा इस कमरे का इको खत्म होता है नहीं। आप अभी ऑडियो देखिएगा, फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा रूम, उसके बाद फिर हम आपको इस रूम में ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, और आप अंतर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर आपको पूछते हैं। तो दोस्तों, इसको चिपकाना कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास पत्ती है और ये देखिए फेविकॉल का 505 है, तो हमें ये आपके पास नहीं होगा, चलिए ये हमने ऐसे लगा रखा है, आपके पास दीवार होगी तो पहले सबसे पहले आपको उस दीवार पर इस जहां पे लगाना है उस पर थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर में थोड़ा सा इसको लगाना है, जो इसके चारों कॉर्नर में बड़ी शीट रहेगी तो बीच बीच में भी लगाना पड़ेगा। अगर ब्रश रहेगा तो ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश से और अच्छा होता है। इसके बाद जो हमारी स्पंज है ये, तो अब स्पंज पे भी हमें लगाना है, तो स्पंज पे हमें इसके कॉर्नर पे लगाइएगा। इजीली बहुत आसानी से चिपक गया है इसमें, स्पंज ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। वैसे ऊपर से देखिए आप दीवार पे, मेन जो फाइनल है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा रूम बनकर तैयार हो गया है। आपने पहले हमारा रूम देखा,
उस समय की वॉइस और अभी की वॉइस में आपको क्या अंतर लग रहा है? हालांकि हमने अभी कोई माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ है और मोबाइल की ऑडियो से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऑडियो में डिस्टरबेंस हो सकता है। बाकी अगर माइक लगाकर भी हम एक टेस्ट करेंगे और उससे मालूम पड़ जाएगा कि ऑडियो कैसा आ रहा है। बाकी आपको थोड़ा बहुत अंतर अगर पता चल रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं। जो ये चीज लगाई है हमने, फॉर्म लगाया है, इसके लिए हमने किसी प्रोफेशनल से बात करी थी तो उसने हमें 77,000 का बिल बना के दिया था, तो हमने नहीं कराया, बहुत ही कॉस्टली था। और फाइनली हमने जो बनाया है पूरा रूम, तो हमें 15,000 में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहीं से हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और यहीं से अगर कभी एंकर करने का मन किया तो वो भी करेंगे। और फाइनली हमने वो तरीका ढूंढ लिया जिससे बिल्कुल इको खत्म हो गई। अच्छा सा रूम बनाइएगा जिससे आप भी आगे तरक्की करें, ऑडियो भी आपका अच्छा हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे और जो लोग परेशान हैं उनको भी पता चले कि हमने क्या इको के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं।